तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ पुराने मोबाइल ले अभी मजा आएगा ना भिड़ रखे हैं। इतने सारे मोबाइलों का मैं क्या करूँ आप बताइए कुछ। तो चलिए इसमें से कोई एक कीपैड फोन ले लेते हैं और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कीपैड का फोन ये ले लिया है, इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। तो इसको एक बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं हमारा ऑन होता है या नहीं। तो वो बैटरी हमारी चार्ज नहीं थी इसलिए हम दूसरी बैटरी ले रहे हैं। तो फिर हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, तो चलिए इसी मोबाइल को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले रखा, उसके बाद हम इस मोबाइल को मदरबोर्ड को पैनल से बाहर निकाल लेंगे। तो हमको इसमें एक लाइट स्पीकर वगैरह सारे बाहर निकाल लेना है। तो मैंने इसकी स्पीकर लाइट वगैरह सब बाहर निकाल लिया है, इसके बाद चलिए हम आगे काम शुरू करें। तो उसके बाद मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, तो हम इसका आगे का पैनल लेके इसमें कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसको काट लेते हैं फटाफट। तो फिर मैंने इसे काट लिया है, चलिए अब इसको लगा के देखते हैं हमारा ठीक से बैठ रहा है कि नहीं। तो फिर हमारा ये ठीक ठाक ही है, चलिए इसको हम यहाँ पे इस मदरबोर्ड को। तो फिर हमारे यहाँ पे तीन कनेक्शन दिख रहे हैं, जो कि हमारा पहला स्पीकर का, दूसरा एलईडी का, तीसरा वाइब्रेट मोटर का। तो चलिए इसमें तीनों में हम वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे तीनों कनेक्शन कर लिए हैं, देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्पीकर लाइट एंड मोटर के दोनों के कनेक्शन कर लिए हैं। तो चलिए इस मदरबोर्ड को इस बॉडी में हम पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वायर यहाँ से फ्लैश लाइट की जगह से हमने वो यहाँ पे वायर निकाल दी है। तो फ्रेंड उससे पहले हम यहाँ पे इसमें चार्जिंग के लिए दो वायर सोल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगा हो, जो कि इसका पहला पॉइंट प्लस का होता है एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट माइनस का होता है, तो हम वहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। इसमें हमें जहाँ पे हमारा डाईबोर्ड लगा हुआ था हमारा ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पे प्लस पॉइंट सोल्डिंग कर लिया है एंड माइनस पॉइंट हमने ग्राउंड से सोल्डिंग कर लिया है। तो चलिए इसको फटाक से बंद कर लेते हैं।
तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे इस मोबाइल को अच्छे से बंद कर लिया है। इसके बाद चलिए इस प्लास्टिक के बॉक्स में इसको लगाते हैं। तो फ्रेंड इसके लगने के बाद हम इसको ग्लू गन से अच्छे से ला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन से इसे अच्छे से चिपका लिया है। तो फ्रेंड चलिए हम इसमें आगे काम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लैश एलईडी लिए, फ्लैश लाइट की ही है। तो चलिए इसको हम कुछ यहाँ पे इस प्रकार लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वो होल करके मैं यहाँ से वायर निकाल के इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो हमारे जो हमने मोबाइल से फ्लैश लाइट के लिए वायर सोल्डरिंग की थी वही वायर हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चार्जिंग कनेक्टर लिया है। तो यहाँ पे मैंने होल कर लिया कनेक्टर लगाने के लिए। तो चलिए कनेक्टर को आराम से लगा लेते हैं। तो उसके बाद मैंने जहाँ मोबाइल के कनेक्टर से वायर सोल्डिंग किए थे वो इस चार्जिंग कनेक्टर पे सोल्डिंग कर लेते हैं प्लस माइनस को देखकर। तो उसके बाद हम इसमें वाइब्रेटर मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो इसको मैंने ग्लू गन से यहाँ पे चिपका लिया है। तो फिर मैंने यहाँ पे अभी एलईडी निकाल दी जिससे हमारा पूरा बॉक्स खुल नहीं पा रहा था। तो चलिए अब इसमें हम स्पीकर कनेक्शन करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे स्पीकर के लिए कुछ होल काट लेते हैं। तो मैंने स्पीकर को भी ग्लू गन से चिपका लिया है। तो हम स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे हम एक पावर बैंक मॉड्यूल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे आयरन की मदद से यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों होल काट कर लिए हैं। तो चलिए अब इस पावर बैंक मॉड्यूल को यहाँ पे लगा के ग्लू गन से चिपका लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ग्लू गन से इसको चिपका लिया हूँ। इसके बाद हमको भी इस कनेक्टर से भी हमें प्लस माइनस वायर सोल्डिंग करके इस कनेक्टर पे सोल्डिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है उस कनेक्टर के प्लस और इस कनेक्टर के प्लस में। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैटरी ली है मोबाइल की। हमने तीन बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। इसको हम पावर बैंक के लिए लगाएंगे।
उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बैटरी ली है आईटेल की, इसको हम इस मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए लगाएंगे। तो चलिए इस बैटरी के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेते हैं एंड माइनस पॉइंट पे भी। तो हमारे बैटरी के कनेक्शन पूरे हुए। इसके बाद इस मोबाइल में एक एसएसडी कार्ड लगा के इस पर हम ट्राई करते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल को ऑन कर लिया है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेडियम में गए, यहाँ पे कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से हमारा, यहाँ पे आप यहाँ पे फिल्म भी देख सकते हैं। चलिए इसमें हमने अलार्म सेट कर दिया, सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अलार्म सेट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे अलार्म बज रहा है जो कि हमारे सुबह जगाने के लिए काम में आएगा। उसके बाद इसमें हम फ्लैश लाइट ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्लैश लाइट भी हमारा अच्छे से ऑन हो रहा है। उसके बाद चलिए इसका पावर बैंक चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा पावर बैंक भी सही है।